हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बिल्कुल बढ़िया। चलो तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन। डी टोटल थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देर, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशियंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन। सो व्हाट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 3, दैट पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो लेट्स से दैट गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल, लेट्स से दैट गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल is, what is our given polynomial? Given polynomial is f of x, and that is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a is not equal to 0. Coefficient of the term which contains the maximum power, that is 3, that must not be equal to 0, है ना? ये जो x cube वाली term है उसका coefficient कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो ये टर्म गायब हो जाएगी, तो ये बचेगी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डन। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज गिवन, कोफिशियंट ऑफ द टर्म विच कंटेन्स मैक्सिमम पावर दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 3, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन। एंड वी नो इन क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 4 टर्म्स आर देयर, है ना? जो भी उसकी डिग्री होगी ना उससे एक टर्म ज़्यादा होगी। इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री इज 2, सो टोटल 3 टर्म्स आर देर। हियर टोटल 4 टर्म्स आर देर। इन शॉर्ट टोटल 4 कोफिशियंट्स आर देर इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। डन। इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टोटल 3 कोफिशियंट्स आर देर बिकॉज डिग्री इज 2। इफ डिग्री इज 2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑलवेज प्लस 1 देन डिग्री। क्लियर? सो हियर क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 4 टर्म्स आर देर, टोटल 4 कोफिशियंट्स आर देर एंड टोटल नंबर ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू डिग्री। सो हियर टोटल 3 जीरोस आर देर, अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा मारेगा। चलो सो नाउ लेट्स से दैट अल्फा, बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल f of x, then alpha, beta and gamma are the zeros of cubic polynomial. So by factor theorem, we can say, what we can say, x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are factors of this given polynomial. Then if alpha, beta and gamma are the zeros of given cubic polynomial, then by factor theorem we can say x minus alpha, है ना, x में से zeros को subtract करना है, so x minus alpha, x minus beta and x minus gamma are the factors of this given polynomial. Done. So that polynomial can be written as product of that factors multiplying one non-zero constant. Done. So now we have to perform expansion of this right hand side. राइट हैंड साइड का एक्सपांशन करेंगे। सो व्हाट इज अवर एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दैट विल बी इक्वल टू के, दैट विल बी इक्वल टू के इनटू, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स माइनस अल्फा को एज इट इज रखेंगे। सो हियर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू टर्म, एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, सो इट्स एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा। डन। नाउ वील परफॉर्म एक्सपांशन ऑफ दिस टू टर्म्स, दिस वन एंड दिस वन। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू के। डन। नाउ परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस एक्स विथ ऑल दिस टर्म, एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब माइनस गामा एक्स स्क्वायर
माइनस बीटा एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा गामा एक्स. नाउ परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस माइनस अल्फा विद दिस ऑल दिस टर्म. सो माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वेयर, सो इट्स अ माइनस अल्फा एक्स स्क्वेयर. माइनस अल्फा इंटू गामा एक्स, माइनस माइनस प्लस, सो इट्स अ प्लस अल्फा गामा एक्स. माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा एक्स. माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा गामा, सो इट्स अ माइनस अल्फा बीटा गामा. डन. सो हो गया एक्सपांशन. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट और रीअरेंज द टर्म्स. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग ऑल द टर्म्स विथ थ्री पावर. सो एक्स क्यूब इज देयर ओनली, एक्स क्यूब. नाउ टर्म्स विथ एक्स स्क्वेयर. सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर विथ एक्स स्क्वेयर पावर? वन, टू एंड थ्री. सो फ्रॉम दिस एक्स एक्स स्क्वेयर टर्म वी कैन से माइनस एक्स स्क्वेयर इज कॉमन. सो माइनस एक्स स्क्वेयर इज कॉमन एंड रिमेनिंग टर्म्स आर गामा, बीटा एंड अल्फा. सो अगेन इट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वेयर. माइनस एक्स स्क्वेयर इज कॉमन टर्म, रिमेनिंग टर्म्स आर प्लस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस गामा. रीअरेंज अल्फा बीटा एंड गामा इन ऑर्डर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ देन कंसिडर द टर्म्स विथ एक्स पावर. सो दिस इज एक्स, एक्स एंड हियर दिस इज एक्स, है ना. कुछ इधर उधर हो गया लग रहा है. अल्फा बीटा गामा एक्स नहीं, ये नहीं आएगा ना, इसमें एक्स नहीं है. दिस वन, ये वाला एक्स. डन. सो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे. सो एक्स कॉमन, एक्स कॉमन, एक्स कॉमन. सो रिमेनिंग टर्म्स आर, रिमेनिंग टर्म्स आर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, है ना. इट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स. और इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म सिर्फ एक ही बाकी बची है, दैट इज माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा. अभी सिर्फ के बाकी बचा, करो मल्टीप्लाई. सो हियर वी आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मल्टीप्लाइंग दिस के. सो इट्स अ के एक्स स्क्वेयर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वेयर प्लस के इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा. सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. सो कैन वी रिप्लेस दिस एफ ऑफ एक्स विथ दिस वन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी. सो नाउ वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट द ए एक्स स्क्वेयर, सॉरी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड दैट इज इक्वल टू दिस एंटायर टर्म. डन. तो इसको हम ऐसे ही रख लेंगे और इसको यहाँ पर कंपेयर करवाएंगे, है ना, तो आप इजीली इसको अंडरस्टूड कर पाएंगे. सो हियर वी आर रिप्लेसिंग दिस एफ ऑफ एक्स. व्हाट इज अवर एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट दी, यहाँ पर के एक्स क्यूब था, एफ ऑफ एक्स इज नथिंग बट दी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी. डन. सो बोथ द टर्म्स आर इक्वल. सो नाउ कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स ऑन बोथ साइड्स. नाउ कंपेयरिंग कोफिशियंट्स ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर, एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म. दैट मीन्स ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स. सो हियर कोफिशियंट ऑफ दिस एक्स क्यूब इज के, हियर कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इज ए. डन. ये दोनों इक्वल है, कैसे? बिकॉज दिस टू आर इक्वल. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस वन एंड अवर एफ ऑफ एक्स इज दिस वन. डन. एंड दैट्स व्हाई वी आर कंपेयरिंग दिस बोथ द एक्सप्रेशंस. सो के इक्वल टू ए. सो इन कंपेरिजन वी कैन राइट के इक्वल टू ए. फर्स्ट कंपेरिजन दैट इज के इक्वल टू ए. नेक्स्ट वन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज बी, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर इज बी एंड हेंस वी आर गेटिंग माइनस माइनस
k into alpha plus beta plus gamma equal to minus k alpha plus beta plus gamma equal to b. Done. Third, comparing the coefficient of x. So here coefficient of x is k into alpha beta beta gamma gamma alpha, and here coefficient of x is c. Done. And therefore we are getting k into alpha beta beta gamma gamma alpha equal to c. Then comparing coefficients of constant term minus alpha beta gamma equal to minus k alpha beta gamma. Done. R equal to minus k alpha beta gamma. D equal to minus k alpha beta gamma. So now comparison. On comparison, what we can say? If k equal to a, we can write this one, alpha plus beta plus gamma equal to alpha plus beta plus gamma equal to b upon minus k, and k is equal to a. So this is equal to b upon a, b upon minus a, that is equal to minus b by a. Done. So first relation is alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a, minus b by a. Done. Now next one, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Alpha beta plus beta gamma gamma alpha, that is equal to c by k, c by k, and k equal to a. So that is equal to c by a. This is another relation, alpha beta beta gamma gamma alpha equal to c by a. And third one, that is equal to alpha beta gamma equal to d upon minus k, it's a minus d by k, and again replacing this k with a. So alpha beta gamma equal to minus d by a. Done. So these are the three relations between zeros and coefficients of cubic polynomial. Done. So here this alpha beta gamma can be read as sum of zeros, sum of zeros equal to minus b by a, sum of zeros equal to minus b by a, minus b, b is the coefficient of x square, by a is coefficient of x cube. This can be read as sum of zeros of product taken two at a time, sum of product of zeros taken two at a time, that is equal to c by a. C is coefficient of x upon coefficient of x cube. And this alpha beta gamma can be read as product of zeros, that is equal to minus d by a, minus of constant term divided by coefficient of x cube. Clear, students? So now please pause this video and